हर परिस्थिति में बताया का मतलब ये है, वो समय कोरोना महामारी से कैसे परिवार चलाबो, तब हमार सरकार कांग्रेस की सरकार सबके घर में 3 महीना का राशन ले एक संग्रह भिजवा रहे हैं, भिजवा रहे हैं नहीं भिजवा रहे मिले रही से नहीं। वो समय मनरेगा शुरू करें जिन सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी शुरू करें, मनरेगा शुरू करें 26 लाख परिवार मनरेगा के तहत। वो समय दुकान बंद रही से, फैक्ट्री बंद रही से, परिवहन बंद, वो समय आमा इमली और तेंदु पत्ता तोड़े सीजन रही से, महुआ के सीजन रही से खरीदे की व्यवस्था करें, गरीब आदमी के इनकम खत्म नहीं होना चाहिए वो प्रयास। और किसान मतलब पहले के 1500 करोड़ रुपए तुम्हारे खाता में डाले काम न कर रहे, आज वो निरंतर चला थे राहुल जी 2500 के रिसे, ये साल तो 2640 और 2660 रुपए पड़े, और अभी धान बेचो तेरे समझ लो कत का पर ही तेला बोले जरूरत है, सबला विश्वास है, भरोसा है कांग्रेस के ऊपर, भरोसा है ना? हाँ काका अभी जिंदा है बाबू, हाँ आपके पास हम तो 75 के हैं, तुम्हें तो 80 को दिल लगा था। अच्छा 5 बोनस में दे था, मैं आप सब ला प्रणाम कर रहा था, तो वो 75 जन पार के अंदर 75 नंबर सीट रही ना, राजनांदगांव शामिल है ना, मगर मतलब नांदगांव जिला में केवल नांदगांव भर भाजपा के हाथ में रही से, खैरागढ़ उपचुनाव जीत ले रहे हैं, एक एक करगर इस हूल निकाल के फेंक रहे हैं ना, तैयार हो। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी वाला मल्ला सांप सूंघे है, एक ठक तो घोषणा करती गा कि हमार सरकार आई तो किसान बर मजदूर बर गरीब बर महिला बर यदि काम करबो, एक ठक नहीं करे, हमार सरकार है, हम लगातार 5 साल काम करें और गिनाहो बहुत लंबा लगी, वो बात मैं नहीं बोलना चाहूं, लेकिन फिर भी हमार नेता राहुल जी आयरी से, प्रियंका जी आयरी से, खड़गे साहब आई, ये मन लगातार हमार सरकार बनाओ तो हमने ये काम करबो, मैं वो लिस्ट गिना देता हूं। पहली बात तो हमने फैसला करें 15 क्विंटल के जगह 20 क्विंटल खरीदी, आज 30 तारीख है, परम दिन धान खरीदी शुरू हुई और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान बेचू तुम्हारा। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, चूंकि हमन फैसला करें, का फैसला करें कि किसान मन के फिर से ऋण माफी होई, बोले ना तो भाजपा वाले उकर मन के पेट में पीरा होते काबर ऋण माफी कर सकते हैं, मैं कहें उद्योगपति मन के बड़े बड़े अडानी और संगवारी मन के 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं तब कोई बात नहीं, कांग्रेस की सरकार है यदि 9000 करोड़ रुपए माफ कर दी तुम्हारे पेट में पीड़ा हुआ थे, फिर से किसान मन के कर्जा माफ कर वो करना है कि नहीं करना है, मजा नहीं आवा थे, कर्जा माफ होना करना है ना, हाँ कर्जा माफ तब हुई जब सरकार बनी, हाँ भरोसा है। एक ठकाऊ बात तकनीकी बात आप मन लग कर दे, कांवर के 1 नवंबर के धान खरीदी हुई परमदी से धान खरीदी हुई तो तुम जिन लोन ले हो पहली कट ही बैंक में, कांवर के सरकार के फैसला 20 क्विंटल खरीदे के लोन ले हो तब तो समझ लो वो लोन है चुनाव तक जब बेचू तब तक के कटही, जिन सरकार बनी पहली फैसला रही किसान मन के कर्जा माफी और जिन समायोजित हो जाएगी वो पैसा वापस करवो, तो कर चिंता तुम्हारा नहीं करना है, हाँ ये मैं भाजपा वाला उन बरगला ही देखा पहले में बता दे कहू, पिछले समय याद करो 1200 करोड़ रुपया किसान मन धान बेटरी से नवंबर महीना में सरकार बनी 17 दिसंबर के, तो किस हम तो धान ला बेट देने का कर्जा में पार दे वो पैसा ला, वो 1200 करोड़ रुपया किसान मन के वापस कर दे रहे हो, रही नहीं हो रही,
तो यू बात कोनो किसान ला चिंता करे की जरूरत नहीं है, आराम से धान ला बेचो तुम। कांग्रेस के फिर सरकार बनी, वो जिन पैसा बैंक के खाता में तुम्हारे समायोजित हो रही, वो पैसा फिर से वापस किसान के खाता में हुई। कर्जा माफ के हमारा फैसला। दूसरा बात, प्रियंका जी घोषणा करी कि 17.5 लाख परिवार ला आवास देबो। तीसरा, तेंदू पत्ता जिन संग्राहक है वो मतलब 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से हम खरीदी करथन, वो परिवार ला साल में एक बार वो तेंदू पत्ता पैसा पावे करी 4,000 रूपये और देबो गरीब मन के खाता में डालबो। जेन ये महुआ है, इमली है, अमचूर है, एकर मन के समर्थन मूल्य 10 रूपया वृद्धि करबो। और जिन डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है, पहले 5 लाख रूपया री से अब वह 10 लाख रूपया हुई, 10 लाख तक के फ्री में इलाज हुई, और विशेष सहायता मुख्यमंत्री विशेष सहायता में तो 25 लाख तक के। और एक साथ साथ हमरो गरीब घर के लड़का मन, किसान घर के लड़का मन शहर में गांव में रही थे, लेकिन काकरो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होते थे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाते, फीस अतेक रही थे उन भर नहीं पाए, लड़का मन पढ़ नहीं सका है। और दिन राहुल जी घोषणा करीस कि चाहे वो डिप्लोमा करे, आईटीआई करे, चाहे इंजीनियरिंग करे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज पढ़े, जब का शासकीय कॉलेज है ते सब फीस माफ होई, ट्यूशन फीस एडमिशन फीस सब माफ, मतलब KG to PG फ्री में शिक्षा पूरा देश में पहला। कोई सरकार ऐसा नहीं करे, लेकिन हमार सरकार बनी तो लड़का मन ला पढ़ाई में एक पैसा नहीं लागा। और कल राहुल गांधी जी राजनांदगांव आये रही, होकर पहली अभनपुर विधानसभा में मजदूर मन का सब बैठे रही से, वो खुद धान लुए है, हम मल्ला ताम्रा दस भैया पिया सिंह देव चरण भैया सब ला धान लुआ है। ओकर बाद बैठे नोकर मजदूर साथी मर रही से, भूमि श्रमिक मर रही से, वो मल्ला कहिस कि 7,000 करवाया से बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी बढ़ा देते से। उमन किस कद का बढ़ाना है, राहुल जी पूछे कद का बढ़ाना है, 10,000 कर दे तो हम खुश हो जाबो। तो राहुल जी राजनांदगांव में और पहली घोषणा करे कि जिन भूमि श्रमिक है देश में पहली योजना है, कोनो भूमि मतलब श्रमिक मतलब पैसा नहीं मिला है, छत्तीसगढ़ सरकार 7,000 दे रही से, अब वो हमारे सरकार है तेने 10,000 रूपया सालाना दिया। तो अब का कन घोषणा कट रहे हैं, और घोषणा करवाना है कि नहीं करवाना है, करवाना है ना, भरोसा है ना, हम जन किसान तेन हो ही ना, और भाजपा किसे तेन है पक्का। हाँ तो एक आमक दू गोहित तोर कहल का हुई, वो कर मन के वही चलते। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं रहते हुए मैं सीधा प्रियंका जी बला हूं, तुम जोरदार ताली बजाओ भाई। कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और घोषणा करवाना है तो जोरदार ताली बजते रहना जी जब तक कि प्रियंका जी मंच में नहीं आए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। भाव सम्मान के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी आए और आप सबको हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रियंका जी।